नमस्कार, स्टेट टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। नजर डालने के दिन भर की बड़ी गतिविधियों पर। देश में 1 मार्च से कोरोना वायरस का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और इसी क्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना की पहली खुराक लगाई। राष्ट्रपति भवन से ट्वीट के मुताबिक राष्ट्रपति कोविंद ने इतिहास के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, स्वास्थ्य कर्मियों और प्रशासकों को धन्यवाद दिया है। अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी ठिकाने को ध्वस्त किया है। यहां से उन्हें कुछ सामग्री बरामद हुई है। पूरे इलाके का तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कन्वोकेशन सेंटर जम्मू में फॉरेस्ट गार्ड्स की पासिंग आउट कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने छात्रों को सम्मानित भी किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टीडीसी मेंबर शहनवाज चौधरी के खिलाफ अपना रोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वो गुलाम नबी आजाद का पूरी तरह से समर्थन करते हैं और ऐसे बयानों की निंदा करते हैं। ट्रेडर्स फेडरेशन वेयरहाउस नेहरू मार्केट ने आकाश मेहरा को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही साथ पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। धर्मार्थ ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर सिविल सेक्रेटरी का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और उनके बीच झड़प हो गई। जम्मू एंड कश्मीर एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन फोरम ने इस बात पर रोष जाहिर किया है कि जो अमेंडमेंट्स की गई हैं वो एम्प्लॉयज के हक में नहीं है। उन्होंने सरकार से अपील की कि जो भी अमेंडमेंट्स या सर्कुलर निकाले जाएं वो एम्प्लॉयज के हक में होने चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी की लीडर नम्रता शर्मा ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ राजभवन जम्मू में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने लोगों को पेश आ रही समस्याओं को उजागर किया। पुंछ में बस स्टैंड पर अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन और पुलिस द्वारा एक मुहिम शुरू की गई। इस मौके पर बस स्टैंड इलाके से इलीगल इंक्रोचमेंट्स को वहां से हटाया गया। श्रीनगर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारेबाजी की और मांग की कि जल्द से जल्द इनकी जायज मांगों को पूरा किया जाए। जम्मू कश्मीर के समर जोन स्कूलों में पहली से नौवीं तक की कक्षाएं शुरू होने के बाद अब परीक्षाओं का भी आयोजन होने जा रहा है। पहली से सातवीं कक्षा के बच्चों की टर्म 2 परीक्षा की जगह मार्च के तीसरे सप्ताह से असेसमेंट टेस्ट लिए जाएंगे। निजी स्कूल 6 कक्षा तक का असेसमेंट टेस्ट अपने स्तर पर ले सकेंगे, लेकिन 7वीं से 9वीं तक की परीक्षाओं का आयोजन शिक्षा विभाग की ओर से तय नियमों के मुताबिक ही होगा। स्टेट टाइम न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।